हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिमेंडर फाइंड आउट करने के टू मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमेंडर थ्योरम मेथड। उसी को फॉलो करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर वन एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स्यर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माँ हमने बताया था जो लार्जर पावर वाला पोलिनोमियल है उसे हमने पी ओफ एक्स लेना है और स्मॉल पावर वाले पोलिनोमियल को जी ऑफ एक्स लार्जर पावर वाला पोलिनोमियल डिविडेंड और स्मॉल पावर वाला डिविजर x प्लस वन से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो कर रहे हैं हम सबसे पहले x3 को रिमूव करना है x3 को रिमूव करने के लिए x को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा एक्स को एक्स स्यर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर साइन चेंज प्लस का है चेंज होके माइनस ये भी प्लस का है चेंज होके माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल प्लस थ्री एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाकी क्या रह जाएंगे टू एक्स स्केयर रिमेनिंग टर्म्स थ्री एक्स प्लस वन अब टू एक्स स्केयर को रिमूव करना है इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2x से 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस वन को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x x के नीचे x वाली टर्म लिखनी है ठीक है अब साइन चेंज माइनस ये भी प्लस का है चेंज होके माइनस कैंसिल हो गया यहाँ क्या रह जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स थ्री माइनस टू वन प्लस वन रिमेनिंग टर्म x को रिमूव करने के लिए किस से मल्टीप्लाई करना होगा वन से वन x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन साइन चेंज कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स बाकी क्या रह जाएगा जीरो तो यहां हमने रिमाइंडर बताना है ओनली रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास जीरो रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो ओके सेकेंड पार्ट इसे हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम मेथड से कुछ बच्चे रिमाइंडर थ्योरम मेथड प्रेफर करते हैं आपको जो अच्छा लगे वही कर सकते हो एक्स माइनस वन बाय टू ज़ीरो से निकालेंगे पहले एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू जीरो के आ गए हमारे पास वन बाय टू पी ओफ वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू होल क्यूब प्लस थ्री इंटू वन बाय टू स्क्र प्लस थ्री इंटू वन बाय टू प्लस वन वन बाय टू क्यूब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा वन बाय एट प्लस थ्री इंटू वन बाय टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन बाय फोर प्लस थ्री इंटू वन बाय टू थ्री बाय टू थ्री बन जा थ्री बाय टू प्लस वन वन बाय एट प्लस थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस वन बाय वन लिख लेंगे हम अब एल्सीम लेना है डिनोमिनेटर का एट फोर टू वन का एलसीएम एलसीयम क्या होता है मिनिमम नंबर से डिवाइड करते हैं टू से टू फोर जा एट टू टू जा फोर टू वन जा टू फिर टू से डिवाइड हो जाएगा ये टू टू जा फोर टू वन जा टू टू से वन 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 लास्ट में वन आ जाना चाहिए हमारे पास तो क्या नंबर आ गया डिवाइड करके टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू वन से मल्टीप्लाई करके वन नहीं आएगा टू टू जा फोर फोर जा जाट तो एलसीएम क्या आ गया एट एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है एट को एट से डिवाइड करेंगे वन नोमिनेटर से मल्टीप्लाई वन वन जा वन प्लस एट को फोर से डिवाइड टू आ जाएगा टू को थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स एट को टू से डिवाइड फोर आ गया फोर थ्री जा ट्वेल्व एट को वन से डिवाइड करेंगे एट एट को वन से मल्टीप्लाई एट आ जाएगा ठीक है अब सबको प्लस करना है वन प्लस सिक्स सेवन सेवन प्लस ट्वेल्व नाइन्टीन नाइनटीन प्लस एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन बाई एट तो पी ऑफ वन बाई टू क्या आ गया ट्वेंटी सेवन बाई एट रिक्वायर्ड रिमाइंडर ट्वेंटी सेवन बाई एट ओके थर्ड पार्ट पी ऑफ एफ सेम है डिवाइडेड बाय एक्स ठीक है तो पहले जीरो से निकालने एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जब हमारे पास कोई नंबर नहीं होता x के साथ प्लस या माइनस में कोई टर्म नहीं है तो हम उसको किसके इक्वल पुट करते हैं ज़ीरो के तो x की वैल्यू क्या आ गई जीरो x इज इक्वल टू ज़ीरो अब पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन पी ऑफ जीरो निकालना है रिमाइंडर थ्योरम और मेथड से एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे ज़ीरो क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो स्केयर प्लस थ्री इंटू ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो क्यूब क्या होता है जीरो को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो ज़ीरो प्लस थ्री को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ज़ीरो प्लस वन जीरो प्लस थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो प्लस जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन क्या होता है वन रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास वन पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन फोर पार्ट अब हमने डिवाइड करना है एक्स प्लस पाई से जीरो एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस वाली टर्म साइड चेंज होने के बाद साइन चेंज हो जाता है एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई एक्स की वैल्यू माइनस पाई पुट करेंगे पी ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस पाई स्क्र प्लस थ्री इंटू माइनस पाई प्लस वन पी ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस पाई स्केयर माइनस पाई को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री इंटू पाई स्केयर थ्री को पाई स्केयर से मल्टीप्लाई करके थ्री पाई स्केयर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पाई प्लस वन तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया अब यहाँ पे इसको हम ऐड नहीं कर सकते ठीक है सबकी पावर अलग है माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन ठीक है तो इसलिए ये हमारे पास रिमाइंडर है रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन ओके नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट यहाँ हमने डिवाइड करना है फाइव प्लस टू एक्स फाइव प्लस टू एक्स इसे अब जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है या हमने x की वैल्यू निकालनी है फाइव प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव टू मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड हो जाती है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस फाइव बाय टू अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय रिमाइंडर थ्योरम मेथड रिमाइंडर क्या होगा हमारा पी ओफ माइनस फाइव बाय टू पी ओफ माइनस फाइव बाई टू की जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर होगा ओके तो पी ओफ माइनस फाइव बाई टू निकालना है अब हमने पोलिनोमियल में माइनस फाइव बाय टू वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की माइनस फाइव बाय टू क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू स्केयर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस वन माइनस फाइव बाई टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू इंटू माइनस फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई एट प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू स्केयर माइनस फाइव बाई टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है माइनस फाइव बाय टू इंटू माइनस फाइव बाय टू क्या जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव बाय फोर ट्वेंटी फाइव बाय फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी फाइव बाय फोर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाय टू माइनस फिफ्टीन बाय टू प्लस वन ठीक है तो अब हमारे पास क्या आ गया माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाय एट प्लस सेवेंटी फाइव बाई फोर माइनस फिफ्टीन बाय टू प्लस वन अब हमने इसका एल्सीम लेना है एलसीयम लेके सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास एट फोर एंड टू एट फोर एंड टू का एल्सीयम ऑलरेडी ले चुके हैं हम लास्ट समय भी एट फोर टू का एलसीएम क्या आ जाएगा मिनिमम नंबर से डिवाइड करना है टू से डिवाइड हो रहे हैं ये सारे लास्ट में वन आना चाहिए हमारे पास तो एल्सीम क्या आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू फोर फोर टू या एट क्या आ गया एट अब एट डिनोमिनेटर से डिवाइड करने एलसीएम को और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो एट को एट से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास वन वन को माइनस वन ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया माइनस वन ट्वेंटी फाइव ठीक है अब एट को फोर से डिवाइड टू आ जाएगा टू को सेवेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वन फिफ्टी एट को टू से डिवाइड फोर फोर को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई माइनस सिक्सटी प्लस वन वन को एट से डिवाइड करेंगे एट एट को वन से मल्टीप्लाई एट ठीक है तो अब हमारे पास टू टर्म्स नेगेटिव आ गई टू टर्म्स पॉजिटिव नेग पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे वन फिफ्टी प्लस एट क्या आ गया वन फिफ्टी एट नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे माइनस वन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी माइनस वन फाइव अब एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़ी टर्म का आएगा सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया ट्वेंटी सेवन लार्जर नंबर क्या है वन फाइव साइन माइनस का आएगा क्या आ गया माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट पी ऑफ माइनस फाइव बाय टू माइनस ट्वेंटी सेवन एट रिक्वायर्ड रिमाइंडर माइनस ट्वेंटी सेवन एट ओके सेकेंड सम अब पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस ए डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से ठीक है तो एक्स माइनस ए के लिए पहले जीरो माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे हम लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज पी ऑफ ए रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ ए अब पी ऑफ ए निकालेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्र प्लस सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू ए माइनस ए ए क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर थ्री ए को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए की पावर टू ए को टू टाइम्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए स्क्र ए इंटू ए स्क्र प्लस सिक्स इंटू ए सिक्स ए माइनस ए ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए क्या होता है फाइव ए क्यूब प्लस के हैं ए क्यूब माइनस के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे बाकी क्या रह गया हमारे पास फाइव ए तो पी ऑफ ए क्या आ गया फाइव ए रिक्वायर रिमाइंडर इज इक्वल टू फाइव ए सब नंबर थ्री टू पॉलिनोमियल्स नोमियल्स हैं हमारे पास थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स एंड सेवन प्लस थ्री एक्स इसमें हमने चेक करना है सेवन प्लस थ्री एक्स मल्टीपल है या नहीं थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का ठीक है तो ये चेक करने के लिए उसी तरह से पहले जीरोस निकालने हैं सेवन प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाय थ्री गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे पी ऑफ माइनस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस सेवन थ्री का क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन बाय थ्री एक्स की वैल्यू पी ऑफ माइनस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस सेवन बाय थ्री क्यूब माइनस सेवन बाय थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री फोर्टी थ्री बाय ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री फोर्टी थ्री बाय ट्वेंटी सेवन प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन सेवन या फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन बाय थ्री यहाँ हमारे पास है थ्री इंटू माइनस थ्री फोर्टी थ्री बाई ट्वेंटी सेवन थ्री से ट्वेंटी सेवन कैंसिल हो जाएंगे क्या आ जाएगा नाइन माइनस थ्री फोर्टी थ्री नाइन माइनस फोर्टी नाइन बाय थ्री अब हम नाइन और थ्री का एलसीएम लेंगे नाइन और थ्री का एलसीएम मिनिमम टर्म से डिवाइड करना है ये किससे डिवाइड होगी थ्री से थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री फिर से थ्री थ्री वन जा थ्री वन वन आ गया हमारे पास तो एलसीएम क्या आ गया थ्री मल्टीप्लाई थ्री 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 9, नाइन नाइन आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे नाइन को नाइन से डिवाइड करेंगे वन वन को थ्री फोर्टी थ्री से मल्टीप्लाई माइनस थ्री फोर्टी थ्री नाइन को थ्री से डिवाइड थ्री आ जाएगा थ्री को फोर्टी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन फोर्टी सेवन टर्म्स हमारे पास नेगेटिव साइन की हैं इनको ऐड करेंगे और साइन माइनस का आएगा ऐड करके क्या आ गया फोर इंटी बाय नाइन ठीक है तो अब हमने मल्टीपल के लिए चेक करना था अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो मल्टीपल है अदरवाइज नहीं है यहाँ हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो इसलिए ये मल्टीपल नहीं है सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ पोलिनोमियल थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स ओके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ पोइनोमियल थैंक यू